नेक्स्ट है हेयर लाइज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम के लिए बहुत ही जो है सो इम्पोर्टेंट है, इसको अंत तक जो है सो वीडियो को देखिए, आपका पूरा जो है पोएट्री सेक्शन का जो है सो 100% जो है सो ऑब्जेक्टिव हम करवा दे रहे हैं, इसको जो है सो दो चार बार जो है सो सुन लीजिए, एग्जाम में निश्चित से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है कुछ लेसन सिक्स का द सोल्जर। द सोल्जर हैज बीन कंपोज्ड बाय, द सोल्जर किनके द्वारा लिखा गया है, कौन किसका रचना है, तो ये रॉबर्ट ब्रूक का है। सोल्जर रॉबर्ट ब्रूक द्वारा रचित कविता है। द सोल्जर इज ए डैश पोएम, सोल्जर किस तरह का पोएम है, ये वार पोएम है, युद्ध का पोएम। द सोल्जर इज ए वार पोएम। नेक्स्ट रॉबर्ट ब्रूक इज ए डैश पोएट, रॉबर्ट ब्रूक किस तरह के कवि हैं, तो ये वार पोएट हैं, युद्ध के, रॉबर्ट ब्रूक इज ए वार पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन द सोल्जर इज ए डैश पोएम, तो सोल्जर किस तरह का जो है सो कविता है, तो ये सोनेट है, गीत है, सोनेट पोएम। द सोल्जर इज ए सोनेट, ये लव नेचर ये सब नहीं होगा, सोनेट पोएम। द पोएम कंसिस्ट ऑफ डैश लाइन्स इन ए सोनेट, सोनेट में कितना लाइन का होता है, ये 14 लाइन का होता है, 14 लाइन्स। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स इज ए सोनेट, 14 लाइन का जो कविता होता है वो गीत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज ए पेट्रियोटिक पोएम, कौन है पेट्रियोटिक देशभक्ति वाला पोएम, तो सोल्जर, सोल्जर है, तो द सोल्जर इज ए पेट्रियोटिक पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन द रॉबर्ट ब्रूक वाज फ्रॉम, रॉबर्ट ब्रूक जो है किस देश के थे, तो इंग्लैंड के थे, द रॉबर्ट ब्रूक वाज फ्रॉम इंग्लैंड। इस पोएम का जो इंपॉर्टेंट लाइन है, तीन ठो पॉइंट बता रहे हैं। फर्स्ट है इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, और नेक्स्ट इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और थर्ड ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर। और नेक्स्ट चैप्टर है लेसन थ्री मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन रिटेन बाय, मैकाविटी ये मिस्ट्री कैट किसके द्वारा लिखा गया है, तो टी एस इलियट के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन सेकेंड मैकाविटी इज कॉल्ड डैश, मैकाविटी क्या कहलाता है, द हाइडन पॉ, मैकाविटी इज कॉल्ड द हाइडन पॉ, छुपा हुआ पंजा। डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, ये क्रिमिनल का मालिक कौन है, मैकाविटी, मैकाविटी इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल। द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू, मैकाविटी का जो कवि हैं वो किससे तुलना करते हैं, तो नेपोलियन से मैकाविटी का तुलना कर रहे हैं। मैकाविटी इज मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये मैकाविटी जो रहस्यमय बिल्ली है ये किसके कहाँ से लिया गया है, ओल्ड पोजम्स बुक, ये ओल्ड पोजम्स बुक से लिया गया ये पोएम है। मैकाविटी इज ए डैश, मैकाविटी क्या है, एक कैट है, बिल्ली है, बाकी गलत ऑप्शन है। मैकाविटी इज फुल ऑफ क्या होगा, मैकाविटी इज फुल ऑफ डिसाइटफुलनेस, ये सही ऑप्शन है। टी एस इलियट वाज फ्रॉम, टी एस इलियट कौन देश के हैं, तो ये इंग्लैंड के हैं, टी एस इलियट वाज फ्रॉम इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये क्या है, हीज ब्रूकेन एवरी लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ। नेक्स्ट एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप एट वॉट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस, तो नेक्स्ट चैप्टर है एट फायरहाइम, फायरहाइम हैज बीन कंपोज्ड बाय, फायरहाइम
किनकी रचना है? तो के की एन दारूवाला, फायरहाइम हैज बीन कंपोज्ड बाय के की एन दारूवाला, के की एन दारूवाला के द्वारा रचित यह रचना है। के की एन दारूवाला वाज एन डैश पोएट, क्या है ये, कहाँ के पोएट हैं? ये इंडो एंग्लियन, ये इंडिया के थे, इंग्लैंड में जाके बस गए, इस तरह के लोग इंडो एंग्लियन कहलाते, इंडो एंग्लियन पोएट। दारूवाला वाज ए डैश बाय रिलीजियस, दारूवाला जो है कौन धर्म को मानते थे? तो पारसी को, पारसी जोरोट्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट, क्या होता है? द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स क्रूएल, या आग का जो लाली मापन होता है वो निर्दयी क्रूएल है। डैश स्वियर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, क्या होगा? केकी एन दारूवाला, केकी एन दारूवाला स्वियर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। नेक्स्ट, द पोएट सीज द रेड हॉट डैश, क्या होगा? रेड हॉट इम्बेयर्स, द पोएट सीज द रेड हॉट इम्बेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन वॉल्यूम ऑफ वर्स, वर्स क्या होगा? के की दारूवाला। हाँ, इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ द पोएम, इसका इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? I swore to save fire from the scene of forget, और दूसरा है broken yet rebellious I swore this time, और next chapter है the snake, snake has been written by, snake किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये D.H. Lawrence के द्वारा ये लिखा गया रचना है। नेक्स्ट, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, सांप कविता को क्या कैसे देखता है? तो विजुअली, इसका सही ऑप्शन होगा विजुअली। द स्नेक सीम्ड लाइक ए, सांप कैसा दिखता है? सीम्ड लाइक ए किंग, राजा की तरह। नेक्स्ट, समवन वाज बिफोर एट माई वाटर थ्रू इज ए लाइन फ्रॉम द पोएम, ए समवन वाज बिफोर एट माई वाटर थ्रू इज ए लाइन फ्रॉम, ये किस पोएम से लिया गया है? तो ये लाइन फ्रॉम स्नेक, स्नेक पोएम से लिया गया लाइन है। द पोएट कंपेयर्स द मैक टू ए डैश बर्ड अल्बाट्रॉस, इसमें क्या होगा? सी बर्ड, खाली जगह पे सी, समुद्री पक्षी। ही लेफ्ट इज हेड फ्रॉम ड्रिंकिंग इज फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? स्नेक से। ही लेफ्ट इज हेड फ्रॉम इज फ्रॉम स्नेक। एंड स्टूपिडेंट ड्रैंक लाइट मोर डैश, क्या होगा? स्नेक। एंड स्टेप डेंड ड्रैंक लाइट मोर स्नेक। नेक्स्ट, डी एच लॉरेंस कौन देश के हैं? तो इंग्लैंड के, डी एच लॉरेंस वाज फ्रॉम इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ पोएम, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम Drinking. Someone was before me at my water through, and stopped drank light more. Next chapter है My grandmother's house has been composed by, my grandmother's, मेरी दादी माँ का घर, किसके द्वारा, किसका रचना है?
ये कमला दास का माय ग्रैंड मदर्स हाउस हैज बीन कंपोज्ड बाय कमला दास. कमला दास इज एन डैश पोएटिस. कमला दास कहाँ की कवित्री है तो इंडियन. कमला दास इज एन इंडियन पोएटिस. द हाउस वेंट इन टू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द डैश. क्या होगा, द हाउस वेंट इन टू साइलेंस ड्यू टू डेथ ऑफ द ओमेन. ओमेन औरत के मरने से घर में वातावरण शांत है. माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज डैश पोएम बाय कमला दास. ये किस तरह का पोएम है तो ऑटोबायोग्राफी अपना जीवनी है उनके द्वारा जो लिखा गया है कमला दास का. माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज ए ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय कमला दास. कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश हु इज डेड नाउ. वो किसके बारे में बात कर रही है तो अपने ग्रैंड मदर के बारे में. कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर ग्रैंड मदर हु इज डेड नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे देयर. इसका सही ऑप्शन क्या होगा, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे हेयर. ये कहां से ये लाइन लिया गया है तो माय ग्रैंड मदर से. इसका इंपॉर्टेंट लाइन जो है क्या कौन कौन है, देयर इज ए हाउस नॉ फार अवे हेयर, और है माय ब्लड टर्न्ड लाइक मून एंड आई हु हैव लॉस्ट माय वे एंड बेग नॉ एट. तो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो. इसको दो तीन बार सुन लेना है और ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है. एग्जाम से पहले निश्चित रूप से एक दो बार जो है सुन लीजिए और आपका जो है सो सक्सेस सफल है. आपका सफलता का शुभकामना करते हैं. थैंक यू.